हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेसन विलेज फूड। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चूल्हा। ये बेसन है छना हुआ, ये हरी मिर्च, ये तेल, ये जीरा, ये अजवाइन, ये नमक, हरा धनिया, ये हींग का पानी। तो पहले इसमें डालते हैं जीरा, इसमें डालते हैं अजवाइन, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, हींग का पानी। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। घोल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालते हैं आधी हल्दी, आधी चमची है, डालते हैं धनिया, लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इन तीनों को। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं बनाने के। मैंने गैस को ऑन किया, तभी तवा रखा, तवा अच्छे से गर्म हो जाने दे। अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इस तरीके से लड्डू डालना शुरू करते हैं, इस तरीके से फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं, जितना पतला, हल्का हल्का सा ऐसे फैला लेंगे, जब तक इसमें अच्छे बॉबल आ जाए तब पलटे हैं इसको। देखिए इसमें बॉबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब इन्हें ऐसे किनारे किनारे से थोड़ा तेल डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लगा देंगे। ये दूसरी साइड से भी पक चुका है, अब इसको फुल कर दिए। प्लेट में रखते हैं। सेम इसी तरह से सारे बना लेंगे।